लोग लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। अभी 859 किलोमीटर नागपुर से बस्ती दिखा रहा है। हम लोग वही 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुंचेंगे। उधर से हम लोग का गवर्नमेंट जो करेगा, क्वारंटीन करेगा, तो हम लोग क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं। बस हम अपने घर पहुंचना चाहते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा हुई। विश्व तालिका में अब 11वें नंबर पर भारत। सड़क हादसे में यूपी में 24 और मध्य प्रदेश में 7 मजदूर मरे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, ये मौत नहीं हत्या है। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर राहुल गांधी का हमला, कहा जनता को कैश की जरूरत, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे सरकार, मनरेगा के कार्य दिवस 200 दिन करने की मांग। अमेरिका में 1 जून तक मौत का आंकड़ा 1,00,000 तक पहुंचने की आशंका, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अलर्ट जारी किया। भारत, रूस और ब्राजील जैसे बड़े देशों में संक्रमण की रफ्तार तेज, अन्य देशों में मरीजों की रफ्तार धीमी पड़ी। फ्रांस में मौत का आंकड़ा 27,000 के पार हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें। और दुनिया भर में 3,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे गए, 46,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए।